बेहतर है अंधेरे से एक नए पथ का निर्माण करना है, उजाले से दीक्षा 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 के सभी नन्हे मुन्हे दोस्तों का अभिवादन और नमस्कार। हिंदुस्तान जो न जाने कितनी ही गाथाओं का इतिहास अपने हृदय में समेटे हुए है, इसी इतिहास के एक पृष्ठ पर लिखा है अकबर महान, जिन्होंने अनेकता में एकता और साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया। नमस्ते दादाजी, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। देखो बच्चों, आज हम तुम लोगों से पहले आ गए, इसलिए जीत अब हमारे हिस्से में है। दादाजी आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है, पर ये कागज पे आप दीन इलाही क्या लिख रहे हैं? बताता हूँ। पहले तुम लोग ये बताओ कि जो कुछ तुम हमसे सुनते हो उसे याद भी रखते हो या नहीं? हाँ हाँ दादाजी। अच्छा ये बताओ कि शाहजहां कौन था? शाहजहां जहांगीर का पुत्र था, जो आगे चलकर हिंदुस्तान का बादशाह बना। शाबाश शाबाश। और दादाजी, जिसने तमाम प्रसिद्ध इमारतों के अतिरिक्त ताजमहल भी बनवाया। इसका मतलब है तुम लोग जो कुछ सुनते हो उसे याद भी रखते हो। दादाजी ये सब तो ठीक है, मगर ये बताइए कि दीन इलाही है क्या? दीन इलाही ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों को बराबर से मान दिया गया और इसे अकबर ने चलाया। दादाजी वही अकबर जिसके दरबार में बीरबल रहते थे? दादाजी अकबर बीरबल के किस्से सुनने में बड़ा मजा आता है। हाँ वही अकबर। अकबर हुमायूं का बेटा था। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं सिद्ध के रेगिस्तान में भाग गया और वही अमरकोट के किले में बेगम हमीदा बानो से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हुमायूं के मृत्यु के बाद 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा और बैरम खां के संरक्षा में उसने राजकाज संभाला। लेकिन 18 वर्ष की उम्र में बैरम खां की मनमानी से तंग आकर उसने स्वयं बागडोर अपने हाथ में ले ली। मुगलिया सल्तनत के वफादार वजीर, सेनापति और दरबारियों, आज से हमने मुगलिया सल्तनत की बागडोर खुद अपने हाथों में ले ली है। हमारे सामने कई अहम मसले हैं। हेमू की हार और हमारी जीत की वजह से हम सबों का हौसला बुलंद है और हम चाहते हैं कि अपने खोए हुए सूबों को पाने के साथ साथ मुगलिया सल्तनत को पूरे हिंदुस्तान में फैला दें। जहां पना, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां तरह तरह के मजहब और लोग रहते हैं, उन पर एक साथ हुकूमत कर पाना जरा मुश्किल लगता है। अबुल फजल, हम हिंदुस्तान को तलवार के बल पर नहीं बल्कि मोहब्बत से जीतना चाहते हैं। हम लोगों पर नहीं उनके दिलों पर हुकूमत करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान सब भाई हैं, उनका दुख हमारा दुख है और इसीलिए हमने आमेर, बीकानेर और जोधपुर के राजपूत राजाओं के पास दोस्ती का पैगाम भड़ाने की पेशकश भी की है। जहां पना, क्या वो लोग मान जाएंगे? अगर हम दिल्ली के बादशाह की हैसियत से कहेंगे तो वे नहीं मानेंगे।
और इसीलिए हमने एक दोस्त की हैसियत से हाथ बढ़ाया है, और राजपूत मन से मुलायम और इरादे के पक्के होते हैं, और हमें यकीन है वो हमारी पेशकश को ठुकराएंगे नहीं। अबुल फजल, मुबारक हो जहांपनाह। जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने जहांपनाह को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया है, और साथ ही आमेर के महाराज ने जहांपनाह के साथ अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भी रखा है। उन्होंने हमारी बात मान ली, हम खुश हुए, और इसलिए हम उनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हैं। बच्चों, रात पूत राजाओं की स्वाधीनता स्वीकार करने के बाद अकबर और भी मजबूत हो गया, लेकिन मेवाड़ का एक राजा राणा प्रताप सिंह मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अंत तक लड़ता रहा। अकबर का राज उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में अहमदनगर तक फैल गया, पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में काबुल तक उसका राज्य फैल गया। अकबर एक बहादुर बादशाह ही नहीं था, वो एक बड़ा कुशल शासक भी था। अबुल फजल, जहांपनाह, हमें खबर मिली है कि हमारी हुकूमत के खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, खेती और किसानों से जरूरत से ज्यादा लगान वसूल किया जा रहा है। आज इसी मसले को जहांपनाह के सामने रखने का ख्याल था। हम खुद ही इस पर नजर रखे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि शेर शाह की तरह जमीन की नाप जोख की जाए और उसी के हिसाब से लगान तय किया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि बेकार पड़ी हुई जमीन को भी खेती के लायक बनाया जाए। राजा टोडरमल, आपका क्या विचार है? जहांपनाह, किसानों की खुशहाली के लिए यह बहुत ही मुनासिब कदम है। ऐसा करने से सारे मुल्क में खुशहाली आ जाएगी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जमीन की नाप जोख का सारा काम आपकी मौजूदगी में हो। इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि हमारी फौज में कुछ जरूरी फेरबदल की जरूरत है। हमारे पहले के बादशाह शेरशाह की तरह घोड़ों पर सरकारी मोहर लगाने का काम जारी रहे ताकि घोड़े बदलने ना पाए। अब्दुल रहीम खान खाना। जी जहांपनाह, हमारी हुकूमत में सभी धर्म एक समान है, क्योंकि हम सब एक अल्लाह की संतान हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि रामायण, महाभारत, संस्कृत, इन तमाम किताबों का तर्जुमा फारसी में किया जाए। और आज से हम एक नया धर्म चलाना चाहते हैं, दीन इलाही, यानी ईश्वर का धर्म। ये तो एक नेक कोशिश है जहांपनाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि सारे धर्मों के लोग एक साथ बैठकर अपने दीन और इलाही की बंदगी करें। बच्चों, अकबर ने तमाम संस्कृत किताबों का फारसी में अनुवाद किया, वो सभी धर्मों से प्रेम करता था, वो सभी धर्मों के लोगों से चर्चा किया करता था, और सभी धर्मों के अच्छाइयों को लेकर उसने दीन इलाही बनाया, जिसे कहते हैं ईश्वर का धर्म। अकबर ने आगरे से 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी को
अपनी राजधानी बनाया, जहां जोधाबाई का महल, दीवाने खास, इबादत खाना आज भी मौजूद है और बुलंद दरवाजा भी मौजूद है, जिसे हिंदुस्तान में अब भी याद करते हैं। अकबर के समय में गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीरा, ये सब कवि मौजूद थे। अकबर की उदार नीत और अच्छे कामों के कारण उसका नाम मुगल बादशाह में सबसे ऊपर लिया जाता है।